गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ द चैप्टर कुर्ग. इनहैबिट. इनहैबिट मीन्स टू ड्वेल, टू लिव. क्रिएचर. क्रिएचर मीन्स लिविंग बीइंग. प्लांटेशन. प्लांटेशन मीन्स गार्डन. पोर. पोर मीन्स टू रेन हैवीली और हैवी रेनफॉल. कमेंस. कमेंस मीन्स टू स्टार्ट. मेजर. मेजर मीन्स क्वांटिटी. इनविग्रेटिंग. इनविग्रेटिंग मीन्स इंटेंसीफाइंग और प्रिवेलिंग स्मेल. कैनोपी. कैनोपी इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्री दैट हैज़ अ वेरी बिग लीव्स ऑन द अपर पोर्शन. दिस कैनोपी ट्रीज आर फाउंड इन द कुर्ग डिस्ट्रिक्ट. फियर्सली. फियर्सली मीन्स फिरोसियसली, वेरी रैपिडली, वेरी हार्डली. डिसेंट. डिसेंट मीन्स डिसेंडेंट, वंशज. कोस्ट. कोस्ट मीन्स बैंक और बीच, सी बीच. सेटल. सेटल मीन्स टू स्टार्ट लिविंग परमानेंटली. इम्प्रैक्टिकल. इम्प्रैक्टिकल मीन्स नॉट वर्केबल, इम्पॉसिबल. एपेरेंट. एपेरेंट मीन्स इविडेंट, क्लियर, ऑब्वियस. ट्रेडिशन. ट्रेडिशन मीन्स स्पेसिफिक प्रैक्टिस. इन हिंदी यू कैन से परंपरा. राइट्स. राइट्स मीन्स रिचुअल्स, कस्टम्स. डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट. मेन स्ट्रीम. मेन स्ट्रीम मीन्स प्रिवेलिंग करेंट, मुख्यधारा. रिसेम्बल. रिसेम्बल मीन्स मैचिंग, लुकिंग लाइक. रिकाउंट. रिकाउंट मीन्स टू नरेट. रेजिमेंट. रेजिमेंट मीन्स पार्ट ऑफ आर्मी या आर्मी ट्रूप. परमिट मीन्स अलाउ. फायर आर्म्स मीन्स गन्स, राइफल्स. लाइसेंस मीन्स परमिशन ऑफ द अथॉरिटी इन राइटिंग और हैविंग और डूइंग समथिंग. ऑब्टेन. ऑब्टेन मीन्स टू गेट. स्क्वायरल्स. स्क्वायरल मीन्स स्मॉल क्रिएचर, गिलहरी. लंगूर. लंगूर मीन्स अ लॉन्ग टेल्ड लार्ज मंकी, अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन मंकी. स्क्रब. स्क्रब मीन्स अ टूल टू रब द स्किन ऑफ एनिमल, खर्रा जिसको कहते हैं, स्क्रब. रिपल. रिपल मीन्स स्मॉल वेव्स, लहरे. महावत. द पर्सन हु हैंडल द एलिफेंट्स, हु ड्राइव्स द एलिफेंट, ही इज़ नोन एज महावत. लेड बैक. लेड बैक मीन्स ऑलवेज वांटिंग टू रेस्ट, आराम परस्त. राफ्टिंग. राफ्टिंग इट इज़ अ टाइप ऑफ बोट रेसिंग, रनिंग द नैरो बोट इन द हिली रिवर्स, बोट रेसिंग. कैनो. कैनोइंग. कैनो इज ऑल्सो बोट एंड इट इज ऑल्सो अ बोट रेस, रनिंग अ लॉन्ग नैरो बोट. ट्रेकर्स. ट्रेकर्स मीन्स पीपल हु क्लाइंब द हिल्स और माउंटेन्स, दे आर नोन एज द ट्रेकर्स. पैनोरामिक. पैनोरामिक मीन्स ह्यूज, वेरी बिग, ट्रिमेंडस, वेरी ब्यूटिफुल. मिस्टी. मिस्टी मीन्स फुल ऑफ मिस्ट, धुंध से भरा. सेटलमेंट. सेटलमेंट मीन्स कॉलोनी. एमंगस्ट. एमंगस्ट मीन्स इन द मिडल. दीज आर द हार्ड वर्ड्स. द चैप्टर इज नॉट वेरी बिग. दीज आर द हार्ड वर्ड्स ऑफ द चैप्टर. नाउ आई विल कंटिन्यू द लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर 7, सेकेंड पार्ट, कुर्ग. कुर्ग इज कॉफी कंट्री, फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस.
कुर्ग इज फुल ऑफ द नेचुरल ब्यूटी. इन कुर्ग द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कुर्ग इज कवर्ड बाई द कॉफी प्लांटेशन एंड हियर द कुर्ग हैज़ हैवी रेनफॉल एंड हियर अ वेरी रेयर स्पाइसेज आल्सो फाउंड. मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्राइफ्टेड फ्रॉम किंगडम ऑफ गॉड. ड्राइफ्टेड फ्रॉम मीन्स हियर बीन कैरीड अलॉन्ग जेंटली बाई एयर. इट मीन्स सेपरेटेड फ्रॉम. हियर द राइटर इज टेलिंग अस अबाउट द जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ द कुर्ग. He says that Kurg district is situated in Karnataka. It is situated between Mysore and Mangalore. And this is a very beautiful place. That's why it is known as Peace of Heaven. Heaven means, you know, paradise. And the writer says that this Kurg district is full of natural beauty. That's why he calls it as Peace of Heaven and says that this Peace of Heaven had been separated from the kingdom of God and came and situated between Mysore and Mangalore, and it is situated in Karnataka. This land of rolling hills. Rolling means here hills which are spread, is inhabited by proud race of martial men. In the Kurg district, which is situated on the hills, here a common people did not live. A very proud race, a proud community of people live here. Inhabited means lived here. And these people love fighting. Martial means fighting. These people love fighting and they are very brave. They proud of their bravery and beautiful women and wild creatures. The ladies of this race, of this community, are very tall and beautiful, and different kinds of wild creatures are found in Kurg district. So the people of the Kurg district and the wild animals of the Kurg district are really different from others, are really very exquisite, very beautiful, very graceful. And really whole Kurg district is very beautiful, full of natural beauty. That's why it is called Peace of Heaven, which has been separated from the kingdom of God.